चैप्टर 1 से लेके 12 तक खराब हो चुका है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का, 13 भी जाएगा, 14 भी जाएगा, 15 भी जाएगा, ऐसा सब निकल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं लिख पाओगे, तुम लिख के ले लो, अगर अभी तुम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो वहां भी नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में सिर्फ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, ये वाली कि मैं समझाते हुए थक गया, समझाते हुए थक गया, तुमने नहीं मानी बात। जब हम यहां है तो हम यहां क्यों नहीं, समझ नहीं आता मुझे। जब यहां पे पढ़ रहे हो तो यहीं पर क्यों नहीं हो, कुछ और बातें, कुछ और, कुछ 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 क्या चल रहा है ये। एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैंने 12th वालों को ही बोला था आज कि तुम हो प्यासे, किस चीज के बताऊं, कामयाबी के, जीवन में आगे बढ़ने के, पास होने के। और जो टाइम है ना, टाइम वो नदी है और नदी बह रही है, टाइम निकल रहा है, नदी रुकेगी नहीं तुम्हारे लिए, ना टाइम रुकने वाला है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें प्यास लगी है ना तो तुम्हें झुकना पड़ेगा नदी के आगे, हाथों को ऐसे करना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा झुक के, फिर पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि नदी तुम्हारे मुंह में आ जाए और तुम्हारा प्यास बुझ गया, ये कभी नहीं होता। तो क्या समझ में आया कि तुम्हें अभी सुधर जाना चाहिए, इस समय के आगे झुक जाना चाहिए, वरना समय निकल जाएगा, नदी बह जाएगी, प्यासे मर जाओगे, फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। अगर इतने में भी समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी बात बोली मैंने, ध्यान रखना। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, छोटी मोटी बातें नहीं बता पा रहे।